जहन दोस्तों, आज संसद के अंदर एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर बड़े बड़ा प्रहार किया और आप प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी देख ले। आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। पिंडरी के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें जो अग्नि वीर का जो योजना है लेना। और ये मीडिया आपकी, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो नेशनल मीडिया बैठी है, आज 1.5 लाख जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती होने वाले, उनकी फिक्र करी है कि कड़ाके की सर्दी में नंगे बदन नौजवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। यानी बात नौजवानों की नहीं सुनी है, ना वो जवानों की ये नेशनल मीडिया सुनती है, क्योंकि देश के रिटायर्ड जितने जवान है, यानी 28 से 30 लाख जवान है, एक्स सर्विस मैन है, वीर नारियां हैं और बहुत सारे डिसेबल्ड सोल्जर है, उनकी बात इस नेशनल मीडिया को दिखाई नहीं दे रही है। इनको सिर्फ चाहिए नेता, और आज जंतर मंतर पर नेता पहुंचे जो सेना के समझ सकते हो कर्नल रोहित चौधरी हैं और अधिपे हुड्डा जी हैं और बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे, तो मीडिया अपना कैमरा लेके कवरेज के लिए पहुंच गए। सारे गांव से हैं, सब किसानों के और मजदूरों को बेचे हैं। ये सरकार सिर्फ किसान मजदूरों के बच्चों को छीन रही है और बढ़िया पर पेट भर रही है। ये झूठ बोलते हैं, हमने ओआरओपी दे दी, एक बार कहते हैं 90 लाख करोड़ दे दिया और अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी को बोला हमने 60,000 करोड़ दे दिया। इनको अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है। और उसने कवरेज भी दिया और ये बात कितनी स्पीड से संसद के अंदर पहुंची आपको ये भी देखना होगा। आज आपको सोचना होगा कि मेरा जो सीधा मैसेज अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, सरकार हमारी तरफ देखे, सरकार जरा हमें बुलाए, सुने कि आपको क्या परेशानी है। आपने इस देश के लिए अपनी जान दी है, आपने देश के लिए अपना शरीर दिया है, देश की सेवा की है, लेकिन ऐसे सेवकों को, ऐसे देशभक्तों को दरकिनार करके, यानी जो नेता हैं जो संसद के आसपास घूमते, उनकी बात मीडिया छाप रही है। चलो, ये हुई बात और मुद्दा वही है कि भाई ये जो 1.5 लाख युवा जो बेरोजगार हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स आर्मी, वही घिसी पिटी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं कि इन नौजवानों को न्याय मिलना चाहिए और उनके न्याय के लिए हम उनके साथ हैं। लेकिन इस मीडिया के जो दोगलेपन का जो बिहेवियर है कि उसी जंतर मंतर पर हमारे सैनिक है, इसको नहीं दिखता है। आप देख सकते हो अमर उजाला में बड़ी प्रिंट मीडिया छपा रही है कि 1.5 लाख जो नौजवान है कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, उनकी सरकार बात नहीं सुन रही है। और ये मुद्दा तुरंत सांसद में जाता है। आप देख सकते हो कि राज्यसभा के अंदर जहां उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं वो बैठे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए उनकी जुबानी, जरा हम कंक्लूड करते हैं कि ये नरवाने साहब ने ये स्कीम जब लागू हुई थी कहा था सिर्फ आर्मी में करिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह पे कर रहे आपने एयरफोर्स और नेवी में भी कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 25% को बाहर करिए, 75 को परमानेंट करिए, लेकिन आपने क्या करा कि 25 को रखा, 75 को बाहर किया। और आपने कहा, हमने उन्हें कहा कम से कम 5 साल का रखिए, तो आपने ग्रेचुटी के चक्कर में 4 साल का रखा। और ये सारी बात जाके संसद के अंदर सभी संसद सदस्य प्रधानमंत्री जी के मुंह पे कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जैसे घूर घूर के देख रहे हैं, वो आप देख सकते हो। यानी किसी मुद्दे को ऊपर तक ले जाने के लिए हमें सबक सीखना होगा। जैसे कि कल 4 तारीख है, वहां पर आरएसपुरम है ओआरओपी को लेकर रैली, और बहुत सारे संगठन लगातार इसका दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव बन नहीं रहा है। और दबाव जब बनेगा, जब आप भीड़ इकट्ठी करोगे, भीड़ इकट्ठी करने के बाद आप कुछ बड़ा कर दो, चाहे ट्रक यूनियन की आप ले लो, अभी इनका ले लो, इन लड़कों का मान लो, राहुल गांधी जी के पास गए, फिर कर्नल रोहित चौधरी, फिर उनके दीपेंद्र हुड्डा, फिर जंतर मंतर, फिर कपड़े खोले, फिर वो चिल्लाए, लेकिन भारत माता की जय रखी उन्होंने, वंदे मातरम रखी। और ये हम तो उसी रंग में रंगे हुए हैं, तो फिर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। इसके लिए जरूर आपको आज सजेशन देना होगा सर, जितने व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने को तथा कथित इसको समझते हैं कि नहीं मैं इस संगठन का पदाधिकारी हूं, अध्यक्ष हूं, संगठन बहुत सारे संगठनों को मैं जोड़ना चाहता हूं, आप इस वीडियो से आपको सबक लेना होगा और अपनी नई योजना बनानी होगी ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। धन्यवाद। स्टाइफंडरी के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें
जो अग्नि वीर का जो योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएंगे, भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा कि एक बात आ गई, 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, चाहे अभी बाहर आया कि नहीं स्टेटमेंट, हाल ही में जनरल एमएम नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आने थी और उसमें 75 रिटेंशन और 25 रिलीज पॉलिसी का प्लान था। लेकिन बिना किसी से बात किए, सलाह किए, मोदी जी ने एक स्कीम एयरफोर्स और नेवी पर लागू की और इसमें 25% रिटेंशन हुआ, 75% रिलीज पॉलिसी का रूल बना। आप बोले ये तो मेरा नहीं, वहां काम जो करते थे, वहां जो जनरल थे, वैसे लोग बोल रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं तो वो परेशान है अग्निवीर के लोग, और वो ये कह रहे हैं ये बेहतर है, ये बेहतर दिनों की आस लगाते हुए, यानी अच्छे दिन बोले ना साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे अच्छे दिन, ये अच्छे दिन, बेहतर अच्छे दिनों की। जय हिंद, जय हिंद। मेरी बहनों, हमारे प्रदेश की सरकार अनेक कर्मचारी मान के है। हम पिछले साल फरवरी से वन रैंक वन पेंशन के धरने में चले हुए हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है, इसने कोई भी बात सैनिकों की आज तक सुनी नहीं है जो आप लोगों की सुनेगी। आप लोगों का हौसला और जज्बा ही इसको झुका सकती है। मोदी सरकार दो ही चीजों में झुक सकती है, एक तो हौसला और जज्बा बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दो, एक इसको चुनाव में हरा दो। सबसे ज्यादा जो इसको इफेक्ट पड़ेगा वो चुनाव का पड़ेगा। किसान आंदोलन इसका जीता जागता सबूत है, एक साल दो साल तक उनका आंदोलन चला, सरकार झुकी नहीं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, पानी के फुहारे छोड़े गए, रोड़ों पे कीले ठोक दी गई, लेकिन जैसे ये चुनाव हारे एकदम से इन्होंने उनका किसान बिल वापस ले लिया। यही आपके साथ है। अगर आप लोग चुनाव में वोट की चोट दोगे आप लोगों की जीत हो जाएगी। जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में आपकी डिमांड को सबसे ऊपर रख के शामिल किया है, अगर इनकी सरकार आती है तो आपको आपका हक मिलेगा, नौकरी पर भेजा जाएगा। आप मेरे दिल में ना सही, आपके दिल में लगी रहनी चाहिए और उस आग को बुझ नहीं देनी है। मैं इंडियन नेवी से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर हुए भी मुझे 28-29 साल हो गए हैं और मेरी लाइफ पूरी स्पोर्ट्समैन की गई है। मैं जिस समय 6th क्लास में था जब से स्पोर्ट्स किया और 34 साल तक मैंने उम्र तक स्पोर्ट्स किया जब तक नेवी से रिटायर नहीं हुआ। इस दौरान सर्विसेज नेशनल और इंटरनेशनल तक हमने स्पोर्ट्स किया है, काफ़ी गोल्ड मेडल भी जीते हैं, लेकिन इस सरकार जैसी तानाशाही सरकार आज तक नहीं देखी, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये आप लोग
अच्छी तरह से समझ चुके हो। जब एक सैनिक तैयारी करता है, कोई लड्डू नहीं थे जो आपने खाकर यहाँ के बैठ गए हैं। आपने 4 बजे और 3 बजे उठ के रोडों पे और जिस गांव में स्टेडियम में प्रैक्टिस की है, रनिंग की है, दंड बैठक भी मारी है, फिजिकल क्रैक करने के लिए। हमें मालूम है एक फौजी का फिजिकल कितना मुश्किल होता है। इन बढ़िया की सरकारों को नहीं मालूम। ये बढ़िया की सरकार है, इनको मालूम नहीं एक किसान का बेटा कैसे फौज में जाता है। जितने आप लोग बैठे हैं, कोई भी शहर का नहीं होगा, सारे गांव से हैं, सब किसानों के और मजदूरों के बेटे हैं। ये सरकार सिर्फ किसान मजदूरों के बच्चों को हक छीन रही है और बढ़िया पर पेट भर रही है। तो दोस्तों, ये मुहिम आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार है, 2 दिन और हैं आपके। इन 2 दिनों में सोशल मीडिया पे पूरा जोर लगा दो, ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो। इधर हम पूर्व सैनिकों को, क्योंकि ज्यादातर पूर्व सैनिक नौकरी कर रहे हैं, अभी शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी होती है। आपको भरपूर सहयोग मिलेगा पूर्व सैनिकों का इन 2 दिनों में, ये हमारा वादा है। तो 2 दिनों संडे को, अगर ये मीडिया नेशनल मीडिया अगर नहीं आती है, तो रविवार को इनके अगेंस्ट में कंपेनिंग करेंगे। यार नेशनल मीडिया जब सवाल करती है तो राहुल गांधी से करती है और मोदी से कहती है हम आम काट के खाओगे, चूस के खाओगे। ये हमारी भारतीय मीडिया है। जो सवाल इन्होंने सरकार से करना चाहिए वो